शहर से कुछ दूर चलते ही नजर आता है वो शहर जो बड़ी बड़ी इमारतों और हरियाली का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। रजनीगंधा चौक हो या फिर इस्कॉन टेम्पल, करीने से सजे वॉल म्यूरल्स इस शहर की कामयाबी को बयां करते हैं। मीसो के सौजन्य से दिल्ली ललन टॉप की टीम आ पहुंची है दिल्ली एनसीआर के सबसे खास शहर नोएडा। भारत सरकार से टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सलेंस का अवार्ड पा चुके नोएडा को सिटी ऑफ अपैरल भी कहा जाता है। करीब 3000 एक्सपोर्ट गारमेंट फर्म्स लिए नोएडा हर साल लगभग 32,000 करोड़ का रेवेन्यू सिर्फ अपैरल एक्सपोर्ट्स के जरिए जुटाता है। गारमेंट्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले कॉटन यान की आसमान छूती कीमतें और लॉकडाउन के वक्त से चल रहे लेबर की कमी की वजह से नोएडा की गारमेंट इंडस्ट्री का ये जो आउटपुट है ना, वो बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है। दूसरी ओर बढ़ती महंगाई की वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट में हो रहा इजाफा भी हालात और बदतर कर रहा। तो इसलिए आज हम पहुंचे हैं नोएडा के रेडीमेड गारमेंट्स हब, ताकि हम जान सकें कि इस इंडस्ट्री से जुड़े कारोबारियों और लेबर्स को बढ़ती महंगाई की वजह से किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए चलते हैं। नोएडा की गारमेंट इंडस्ट्री के बारे में बताते हुए हम पहुंच चुके हैं नोएडा सेक्टर 63 की अजा अपैरल में। इस फैक्ट्री की ओनर हमारे साथ हैं जीवन ज्योति, जिनसे हम ये जानेंगे कि एक फैक्ट्री से कपड़े बनने से लेकर आपकी शॉप तक और आप तक पहुंचने तक क्या प्रोसेस होती है, वो सारी बातें जो आप जानना चाहते हैं। पहले सैम्पलिंग होती है, सैम्पलिंग की स्टेज पे सारी चीज़ें जो परफेक्ट चाहिए होती हैं वो वैसा एक सैम्पल बनता है। उसके बाद फिर वो जाके कटिंग होती है, कटिंग होने के बाद फिर वो स्टिचिंग में आता है। स्टिचिंग में अलग अलग प्रोसेस हैं, साथ ही साथ हर स्टेज पर चेकिंग होती है कि वो हर प्रोसेस में सही से वो माल बन रहा है नहीं बन रहा है, और जो चीज़ें होती हैं अगर करेक्ट करने वाली। जब स्टिचिंग से निकल के फिर वो जाता है फिनिशिंग में, फिनिशिंग में आपकी धागा कटिंग, बटनिंग, यू नो प्रेसिंग, दाग निकालने, वो सारी चीज़ें, वॉशिंग, यू नो वो सारी चीज़ें उसमें होती हैं। फिर उसके बाद पैकिंग होके और उसके बाद फिर वो शिप होता है। तो एक बिजनेस पर्सन के तौर पर कोविड ने और लॉकडाउन ने आपको किस तरह से अफेक्ट किया? कई बिजनेस हिट हुए हैं ऐसे। एक तो महंगाई डेफिनेटली बढ़ गई है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो चाइना से आती हैं, प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए हैं, रॉ मटेरियल है उसका प्राइसेस इंक्रीज़ हुए हैं, दूसरी तरफ से हमारे पास कारीगरों की कमी हो रही है। तो ये सारी मिली जुली चीज़ें इस वक्त, मतलब बहुत टाइम के बाद मार्केट उठी है लेकिन हम वो पूरा कर नहीं पा रहे हैं। जीवन जी, यूपी में नई गवर्नमेंट आ गई, गवर्नमेंट कैसे स्टेप्स ले जो इस इंडस्ट्री के लिए फ़ायदेमंद? नोएडा में कोई भी एक मार्केट नहीं है जहाँ से हम रॉ मटेरियल बहुत आसानी से ले सकें, एटलीस्ट कोई यहाँ पर एक मार्केट होनी चाहिए, उससे हमारे लिए बहुत आसानी होगी, थोड़े से ओवरहेड्स हमारे कम होंगे। सेकेंडली ऑफ कोर्स अगर हमें कुछ ऐसा मिल जाए जहाँ से कारीगर हम ले सकें, गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर सके कि उनकी जो वेजेस हैं वो स्टैंडर्डाइज रहें, ये नहीं मतलब अब इस वक्त ये हो रहा है कि जो वो मुँह मांगा है वो हमें देना पड़ रहा है, हमें उतना मिल नहीं रहा बट हमें देना पड़ रहा है क्योंकि हम अपने बायर्स को मना नहीं कर सकते। वी हैव टू सस्टेन आवरसेल्फ्स, हमें इस इंडस्ट्री में रहना है, तो उसके लिए हमें अभी दोनों तरफ से हमारे लिए बहुत इश्यूज़ हैं। अब तो आप इतने सालों से इस फील्ड में हैं तो आप तो ये जानती हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आप इसको और राइज कर सकती हैं, आपको क्या लगता है? बिल्कुल ग्लोबल रीच जा सकते हैं हम, बिल्कुल जा सकते हैं और वो हमने सोचा हुआ है और हम अब डेफिनेटली ऑनलाइन जाएंगे। हमने फैक्ट्री ओनर से तो बात की, अब हम उनकी जो वर्कर हैं, उनकी फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं उनसे बात करते हैं। महंगाई जो इतनी बढ़ी है इससे आपका घर का बजट कैसे बिगड़ा है? महंगाई ज़्यादा हो गया है, सैलरी थोड़ा कम है इसलिए घर सही से चल नहीं पाता है, स्कूल कॉलेज का फीस हुआ, रहने सहने का हर तरह से प्रॉब्लम है। महंगाई को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए महंगाई तो एक ऐसा है कि उसको कोई नहीं कह सकता कि नहीं जी महंगाई नहीं है, या उसको रोक भी नहीं सकता कि कैसे करें, उसको मोटिफाई भी नहीं कर सकते, बट फैट करना पड़ेगा हमें तो कुछ ना कुछ कम्प्रोमाइज़ करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सरकार से कि आप और आप जैसे जो कामगार हैं? सरकारों को मोटिवेट करना चाहिए कि छोटे छोटे उद्योग हैं उनको और डेवलप करें, अवसर दें लोगों को, छोटे छोटे लोगों को अच्छा सा मौका मिलेगा तो अच्छा सा काम करेंगे।
महंगाई की मार नोएडा का ये कारोबार तो झेल ही रहा है, लेकिन आम जनता का इस पर क्या असर है, महंगाई ने उनके जीवन को कितना प्रभावित किया है, उन्हीं से पूछते हैं। आइए चलते हैं। मैम ये बताइए कि कोविड हो गया या महंगाई हो गई या उस वजह से खरीदारी करने की जो पार थी, क्षमता थी, उस पर असर पड़ा है, तो आपको भी ऐसा लगता है क्या? हाँ, मिडिल क्लास फैमिली पे तो असर पड़ रहा है महंगाई का। तो आप ऑनलाइन ट्राई करना चाहेंगी? हाँ, ऑनलाइन ट्राई करती भी हूँ। महंगाई को लेकर आपका क्या कहना है? जैसे सब चीज महंगाई चल रही है, वैसे उसमें भी सब चीज में बढ़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही चीज पे प्रॉपर महंगाई है, वैसे वेतन भी बढ़ रहे हैं, हर चीज बढ़ रहा है। एक सवाल आपसे रेहान भाई का, मान लीजिए आप एक साल से दो साल से आ रहे हैं, आपको पता चलता है कि रेहान किसी ऑनलाइन कंपनी के थ्रू या किसी ऑनलाइन ऐप के थ्रू अपने कपड़े को डिस्प्ले करके अच्छे दाम में बेच रहे हैं, तो आप यहाँ आएंगे कि ऑनलाइन खरीदेंगे? ऑनलाइन खरीद लेंगे, हमें आना ही नहीं पड़ेगा, फायदा है ना? बिल्कुल बिल्कुल फायदा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और क्या लेने आए भाई साहब? फर्स्ट सैलरी आई थी तो सिस्टर के लिए कुर्ता लेने आया था। फर्स्ट सैलरी आई है, बहुत बहुत बधाई हो पहली सैलरी की। ठीक है, अपने लिए क्या लिया? सर अपने लिए तो कुछ नहीं लिया, अगली बार सोच रहे हैं। तो क्या उसी सैलरी में अपने लिए सिस्टर के लिए नहीं आ सकता है? सर आ तो सकता है, पर सेविंग्स रखनी पड़ती है ना। अगर मान लो सिस्टर को ये दिखा के तुम लो, उसकी पसंद कर लो। मैं लेता तो सामान ऑनलाइन ही हूँ, वो तो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देख लिया, ऐसा कोई इशू नहीं है। मतलब ये कपड़े भी जो लिए हैं ऑनलाइन लिए गए हैं सारे। महंगाई कुमार मीशो के साथ की इस अनूठी यात्रा में हमने बहुत कुछ जाना और समझा। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बहुत अहम भूमिका निभाने वाले तमाम उद्योग, चाहे वो कानपुर का चमड़ा उद्योग हो, कन्नौज का इत्र उद्योग हो, या फिर मुरादाबाद का पीतल कारोबार, महंगाई ने इन सब व्यापारों पर, इन कारोबारों पर बहुत गहरा असर डाला। हमने कई उद्योगों के, कई कारोबारों के हर पहलुओं को समझने की कोशिश की, लेकिन एक बात जो पुख्ता तौर पर हमको समझ में आई वो ये कि महंगाई से लड़ना बिल्कुल मुमकिन है। बस ज़रूरत है एक ऐसे सपोर्ट सिस्टम की जो हर छोटे बड़े कारोबार और हर आय वर्ग के लोगों की बेहतरी को सुनिश्चित कर सके। ऐसे ही सपोर्ट सिस्टम के तौर पर कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स उभरे हैं। आखिर में हम उम्मीद करते हैं कि भारत के व्यापारी, कारोबारी और कंज्यूमर हमारी इस अनूठी पहल के साथ जुड़ेंगे और अपने व्यापार को सफल बनाएंगे और महंगाई को मात देंगे। अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है, आप इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।